तो हेलो दोस्तों, आरबीआई की तरफ से केवाईसी को लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें आपको केवाईसी जो है किसी भी बैंक में जो आप वीडियो केवाईसी करते हैं अकाउंट ओपन के समय, या आप ब्रांच में अकाउंट फॉर्म फिलअप करके केवाईसी करते हैं या अपडेट करते हैं, कभी कभी जो होता है अपडेट करने को कहा जाता है कि आपका पैन कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है या आधार कार्ड नहीं है, अपडेट करवाइए, अपने बैंक से लिंक कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मतलब जितने और आधार कार्ड के साथ जितने भी आपका अकाउंट लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, जितने भी नियम थे ये सभी जो हैं अब धीरे धीरे हट रहे हैं, क्योंकि आरबीआई की तरफ से एक नई गाइडलाइंस जो कि है ये केवाईसी, यानी कि आपने अगर कभी एक ऑनलाइन अकाउंट कोई भी ओपन किया होगा तो आप अगर ईमेल आईडी दिए होंगे उसमें आपका एक सेंट्रल केवाईसी बोल के एक जो है फॉर्म भी आता है, और उसमें आपका एड्रेस, नेम और एक केवाईसी आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है। तो ये जो है बैंक और आरबीआई दोनों मिलकर अभी जो है इस पर काम कर रही हैं कि ये किस तरह काम करेगा, क्योंकि ये जो है ऑल इंडिया लागू करना है, किसी एक या दो आदमी का लागू करने से या किसी के लागू करने से नहीं होगा। इस नए केवाईसी के नियम से बैंक वाले को भी फ़ायदा होगा और आरबीआई को भी, और जितने भी कस्टमर होते हैं बैंक के या जितने भी आम इंसान पब्लिक है उनको भी काफ़ी आसानी पड़ेगी। या आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कीजिए या ऑफलाइन बैंक से कीजिए, कहीं भी से कीजिए, ये अकाउंट से ही रिलेटेड है कि केवाईसी जो आपको एक सेंट्रल केवाईसी रजिस्टर्ड नंबर दिया जाएगा, यानी कि जिस तरह बहुत ही कोई जो है ऑनलाइन अकाउंट अगर एक से दो अधिक ओपन किए होंगे तो आप जानते होंगे कि आपका ईमेल पे मैसेज आता है कि आपका सेंट्रल केवाईसी नंबर अपडेटेड, यानी कि सिर्फ वहाँ लिखा होता है कि अपडेट, लेकिन एक्चुअली वो वही रहता है क्योंकि सेंट्रल केवाईसी नंबर दिया जाता है, यानी कि वो जो नंबर रहता है उसी से आपका आइडेंटिटी वेरीफाई किया जाता है कि हाँ ये बंदा ने अपने आधार कार्ड पैन कार्ड वेरीफाई कराया है। तो इसके लिए आपको सेंट्रल केवाईसी पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। तो ये जो है अभी आप किसी भी बैंक में अगर ऑनलाइन अकाउंट ओपन करें तो वो जो है आपको दे दिया जाता है, या किसी अदर्स में अगर आप ऑफलाइन अकाउंट ओपन किए तो उसमें नहीं दिया जाता है। तो इसी कारण जो है कि आरबीआई ने नए नियम के अनुसार, मतलब आपको जो है कहीं भी अगर आप अकाउंट ओपन करिए, ऑफलाइन करिए, ऑनलाइन करिए, तो उसमें आपको ना कोई आधार कार्ड देना होगा, ना कोई पैन कार्ड देना होगा, ना ही कोई मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ही देने होगा, ना आपको वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब जितने भी अदर्स डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। ऑनलाइन में तो एक्चुअली दो ही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड, और ऑफलाइन में भी एक दो ज़्यादा मांगे जाते हैं, वोटर कार्ड भी कहीं कहीं मांग लिया जाता है। तो जो ये आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स की झंझट खत्म करके आरबीआई और बैंक जो है नए नियम ला रही हैं, इसमें अभी तक सबसे पहले बैंक सेंट्रल बैंक ही अभी शुरू करेगी, लेकिन वो ऑफलाइन ऑनलाइन अभी तक लॉन्च नहीं करेगी, क्योंकि सभी के पास जो है सेंट्रल केवाईसी नंबर नहीं, यानी कि एक आपका जिस तरह आधार कार्ड का नंबर होता है, जिस तरह आपको एक ही 12 अंक का आधार कार्ड नंबर देगा, उसी तरह आपको एक केवाईसी नंबर दिया जाएगा, सेंट्रल केवाईसी नंबर। उस केवाईसी नंबर को अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं ऑफलाइन या ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों या कोई भी तरीके से, तो उसमें आपको ये केवाईसी नंबर बैंक वाले सर्च मारेंगे, या आपको कहा जाएगा कि आप एंटर कीजिए केवाईसी नंबर, आपका जो भी सेंट्रल केवाईसी नंबर उसे एंटर कीजिए। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे और उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका सारा डिटेल आ जाएगा, जितने मतलब आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको देने की ज़रूरत नहीं है, उसी से आपका डिटेल वेरीफाई कर लिया जाएगा और आपका केवाईसी सक्सेसफुली आपको मतलब 2-3 सेकंड में ही, 5 मिनट में ही अकाउंट ओपन करके आपको पासबुक, चेकबुक, ATM जो भी होता है वो बैंक प्रोवाइड कर देगी, और जो है आपको कोई भी मतलब केवाईसी के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। बस यही आपका सेंट्रल केवाईसी नंबर देने से ही मतलब ऑटोमेटिकली आपका सारा डाटा बैंक को मिल जाएगा कि हाँ ये इसका ये है एड्रेस भी, मतलब उसमें आपका एड्रेस भी अपडेटेड रहना चाहिए, आप चाहने से एड्रेस अपडेट भी करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर मान लीजिए आपको एड्रेस अपडेट करना हो तो उसे सेंट्रल केवाईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप एड्रेस अपडेट भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। वैसे ये नियम जो है नया आने वाला है आरबीआई की तरफ से, ये कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि केवाईसी नंबर से ऑल डिटेल लेके फट से ना मतलब कोई भी झंझट नहीं होगा, अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। चलिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।